बॉर्न इन इंडिया, तो अगर आप पारसी और ईसाइयों को ला सकते हैं तो मुसलमानों को क्यों नहीं? देखिए, मुस्लिम आबादी के लिए ही वो हिस्सा भारत का भाग नहीं है, वो भूमि इसीलिए दे दी गई थी। फिर तो हर देश से अव्यवस्था से जो आना चाहिए इसके लिए भारत के दरवाजे खोल लो, भारत कहां बचता है? अखंड भारत के जो लोग हिस्सा थे और जिन पर धार्मिक प्रताड़ना हुई है उसको शरण देना मैं मानता हूं हमारी नैतिक जिम्मेदारी है और हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और स्मिता जी, आप आंकड़े की गहराई में जाइए, जब विभाजन हुआ तब पाकिस्तान में 23% हिंदू थे, हिंदू और सिख थे, आज 3.7% बच गए। कहां गए सारे? इतने सारे तो यहां आए नहीं। धर्म परिवर्तन हुआ, अपमानित किया गया, दोयम दर्जे के नागरिक के नाते इनको रखा गया। कहां जाएंगे ये लोग? क्या देश इसका विचार नहीं करेगा? देश की पार्लियामेंट इसका विचार नहीं करेगी? देश की पॉलिटिकल पार्टियों ने इनका विचार नहीं करना चाहिए? इसमें मैं बांग्लादेश की बात करता हूं जी। 1951 में हिंदुओं का प्रतिशत 22% था, मैं 51 की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश की 51 के आंकड़े हमारे पास है। 2011 की जनगणना में वो 10% रह गए। कहां गए वो लोग? अफगानिस्तान 1992 के पूर्व, मैं 92 के आंकड़े मेरे पास उपलब्ध, लगभग 2,00,000 सिख और हिंदू थे और आज करीब करीब 500 बच गए। क्या इन लोगों को अपनी बिलीफ से जीने का अधिकार नहीं है? वो जब भारत एक था तब हमारे ही थे, हमारे ही भाई है, हमारी ही बहन है, हमारी ही माता है।